सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास है देखिए स्कोडा सलाविया। स्कोडा सलाविया में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए जो बड़ा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, कई जगह स्कोडा कनेक्ट से मोबाइल भी कनेक्ट रहता है और कई सारे OEM फीचर हैं इस मॉडल में जो कि कनेक्ट करना रहता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रिमूव करेंगे जो 10.1 इंच का लगा हुआ है और नॉर्मल 10 इंच का ग्लॉसी फेसिया के साथ में इसमें इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि कार का जो ऑनर है उनका ये कहना है कि उनको 360 बर्ड व्यू कैमरा चाहिए, तो इसमें जो है नॉर्मल रिवर्स कैमरा लगा हुआ है। तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे और 360 बर्ड व्यू कैमरे के साथ में एंड्रॉयड प्लेयर इंस्टॉल करने वाले हैं। इसकी प्राइस मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ, 20,000 से 22,000 रुपये का एंड्रॉयड स्टीरियो हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। 4+64 आपको मिलेगा, 6+128 भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम लोग 4+64 वाला इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्कोडा, वॉल्सवैगन, टाटा, इन सब में क्या होता है, हाई लेवल एकदम कैनवस कनेक्ट होता है वायरिंग के जरिए। तो कैनवस भी हम लोग लगाएंगे और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से OEM कार के जो फीचर है क्या वो एंड्रॉयड प्लेयर कनेक्ट हो पाता है अगर आप इस बड़ी सी स्क्रीन को रिमूव करवा के आफ्टर मार्केट कोई भी स्क्रीन लगवाते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका मूविंग लाइन कैमरा भी मैं दिखाऊंगा, 360 मूविंग लाइन। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में और शुरू करते हैं हम लोग इसके काम को फटाक से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि भाई आप लोग चारों तरफ से देख पा रहे हैं कि ये जो कार है ये टॉप मॉडल है, ऐसा नहीं है कि बेस है। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो इसका OEM स्टॉक प्लेयर था उसे हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। कहीं से भी आपको यहाँ पर स्क्रैच वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर खोल के रिमूव कर लिया है। यहाँ पर देखिए, और ये इसके OEM कपलर्स हैं जो कि स्टीरियो के हैं, कुछ एंटीना वायर्स हैं, कुछ GPS के हैं, कुछ माइक के हैं, कोई हाई कैन हाई वायर है तो कोई कैन लो वायर है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी वायरिंग कटिंग होगी या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने प्रॉपर इसका कैनवस मंगा कर रख लिया है, कैनवस के साथ में इंस्टॉल करेंगे। कहीं से भी कोई एरर मीटर में नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई सा भी एरर आपको दिखाई नहीं देगा। प्रॉपर कार के OEM फीचर आपको काम करते हुए नजर आएंगे। और भी इसके अगर कंपोनेंट की मैं बात कर लूं तो यहां पर देखिए 10 इंच का एंड्रॉयड स्क्रीन कार्स्किन ब्रांड का। जी हां दोस्तों, कई बार इसे मैंने इंस्टॉल किया और कई बार मैंने आपको बताया भी है कि बहुत अच्छा ब्रांड है ये, एप्रॉन टेक्नोलॉजीज का ही है और काफी अच्छा, चलने में भी अच्छा है। आज तक की कोई भी प्रॉब्लम मैंने इसमें नहीं देखी है। और भी एक दो चीज दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यह है इसका ग्लोसी फिनिश में फेसिया जो कि काफी अच्छा लुक देगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। हम लोग इसे इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद इसका जो लुक आएगा ना, वाकई कमाल का होगा। तो हम लोग इसमें 360 के साथ में इंस्टॉल करने वाले हैं, तो 360 वगैरह सारी की वायरिंग में कर लेता हूँ। पहले पूरी तरीके से प्लेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसका लुक आएगा। तो इस गाड़ी में हमको कैनवस मिल चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी का प्रॉपर कैनवस हमको छत्तीसगढ़ में तो नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें पोलो के कैनवस को वायरिंग डायग्राम मैच करके इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि पोलो का कैनवस की जो कोडिंग है वो इसमें सपोर्ट कर जा रही है। जो इंजीनियर्स हैं उनसे हम लोगों ने बात की है, तो उनकी कोडिंग जो है इस कार में सपोर्ट कर जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पोलो के कैनवस को हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। और भी बाकी अगर चीज़ों की मैं बात कर लूँ तो डोर पैड वगैरह को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड का आपको डोर नजर आ रहा है। 360 बर्ड व्यू कैमरे के लिए हम लोगों ने इसे खोल कर रखा हुआ है, सिर्फ सामने के फ्रंट डोर को हम लोगों ने ओपन किया है। इसमें गाइस फाइनली स्कोडा सलाविया में जो है सारा कंट्रोल ओके हो चुका है, सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी है। एक्चुअल में इस गाड़ी में थोड़ा टाइम लगता ही है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी रेयर है, डेली आने वाली कार नहीं है ये, तो इसमें हमको थोड़ा टाइम लग गया। बाकी जो यहाँ पर जो ऑडियो मीटर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और ये जो है स्टीयरिंग के कंट्रोल, सारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कैनवस इसमें लगा दिया है। देखिए अगर यहाँ पर स्क्रीन इस तरीके से है कुछ, तो अगर मैं राइट साइड का डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये राइट साइड का डोर मैंने ओपन किया तो यहाँ पर भी प्रॉपर शो होगा, और क्लोज करूंगा फिर भी शो होगा, चलेगी ये गाड़ी। तो यहाँ पर नेविगेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ हमको नजर आएगा। अगर मैं इसके कार इन्फो में अगर मैं जाऊं, कार इन्फो में जाने के बाद अगर यहां पर कार इन्फो में अगर मैं चले जाऊं, तो यहां पर देखिए डिटेल्स वगैरह में आपको क्या देखने के मिलता है। सारे OEM फीचर को इसमें, सारे OEM फीचर इसमें कनेक्ट हो चुके हैं, आप लोग यहां पर साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यहां पर सीट बेल्ट का दिखा रहा है, बैटरी वोल्टेज आपको दिखा रहा है, वाटर जो टेम्परेचर वो आपको दिखा रहा है, इंजन की स्पीड आपको दिखा रहा है, अमाउंट ऑफ फ्यूल आपको दिखा रहा है,
इंस्टेंस फ्यूल आपको दिखा रहा है, सारी चीजें यहाँ पर दिखा रही है। अगर डोर ओपन वगैरह करते हैं तो डोर ओपन की भी लाइट वगैरह यहाँ पर आ जाएगी इजीली। देखिए मैं डोर ओपन करने वाला हूँ, तो देखिए जिस साइड का डोर मैंने ओपन किया उस साइड का डोर का आ गया। हालांकि डोर को अपन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वार्निंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप आपको मिल जाते हैं, उसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ इसके, देखिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। ब्लूटूथ को आप कनेक्ट कर सकते हैं इस कार में, उसके बाद इसके चला भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल हिस्ट्री वगैरह तो सारी चीज़ें इसमें दी ही हुई है। और उसके बाद मैं बता दूँ इसकी ऑडियो सेटिंग में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर ग्राफिक्स इक्वलाइजर मिलेगा, मैनुअल इक्वलाइजर मिलेगा। यहाँ पर देखिए साउंड फील में जाएंगे, साउंड को आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, है ना। म्यूज़िक में अगर जाएंगे आप लोग तो म्यूज़िक भी बहुत सारा इसमें मिलेगा। खैर यूएसबी मैंने लगा के रखा है, एक बार म्यूज़िक की क्वालिटी मैं सुना देता हूँ। साउंड सुनिए आप, तो कुछ इस तरीके का म्यूजिक और साउंड का क्वालिटी आपको देखने मिलेगा। एफएम आपको मिल जाएगा आरडीएस फीचर के साथ में, संगीत ये यहाँ पर देखिए एडीएस फीचर मिल जाएगा आरडीएस के साथ में। बाकी कोई सा भी चैनल फ्रीक्वेंसी आप इसमें यूज कर सकते हैं, आरडीएस फीचर के साथ में मिलेगा। बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है आरडीएस फीचर अगर इंक्लूड रहे किसी एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो वीडियो में अगर हम लोग चले जाए तो वीडियो फुल एचडी क्वालिटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसमें बात कर लेता हूँ मैं 360 बर्ड व्यू कैमरे की, तो यहाँ पर अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर देखिए 360 बर्ड व्यू कैमरा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से फ्रंट साइड का व्यू, बैक साइड का व्यू, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, फ्रंट दोनों टायर का पैनारामिक व्यू। यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखिए रिकॉर्ड स्टेटस को अगर मैं ऑन कर दूँ तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, 4 एंगल में रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी इसकी, है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 360 बर्ड व्यू कैमरे को आप देख सकते हैं कि ये पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी कुछ इस तरीके का। देखिए यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। बाकी मैनुअल है, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। स्पीड प्ले में अगर आप लोग जाएंगे तो स्पीड प्ले में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर जो है एनेबल्ड है इसमें, वो मिल जाएगा। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। बाकी यहाँ से खोलेंगे तो बीटी कॉल म्यूजिक वगैरह सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। हाँ, मैं इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। अबाउट कार डिवाइस में अगर हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जाएंगे तो स्टोरेज आपको मिलेगा 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 6 GB की रैम आपको मिलेगी। हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऑनलाइन अगर मान लो कल को अपडेट आता है तो यहाँ से आप चेक फॉर अपडेट में अपडेट भी इसकी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म डिवाइस को आप लोग देख पा रहे हैं, एंड्रॉयड वर्जन जो है 11 है इसमें, है ना। तो ये एंड्रॉयड स्टीरियो काफ़ी अच्छा है। खैर स्कोडा कोसाक में हम लोगों ने लगाया है साउंड रिकॉर्डर आपको देखने के मिलेगा। गूगल मैप नेविगेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको काम करता हुआ नजर आएगा। तो वैसे काम करते करते बहुत रात हो चुका है, अब हम लोग जाने वाले हैं इसका कैलिब्रेशन करने। तो कैलिब्रेशन करने के बाद मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। बाकी अगर आपको लगवाना है तो आप अपने स्कोडा सलाविया में ये लगवा सकते हैं। कोसाक बोल रहा था, कोसाक और सलाविया का लगभग सेम है कैनवस वगैरह, तो आप लगवा लीजिए। तो चलिए कैलिब्रेशन का मैं दिखा दूंगा वीडियो आपको। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, और मिलते हैं अगली किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।